নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে চৰণীয়া চাৰ্ট এন এডুকেয়াৰ চেনেল এইটো মোৰ চি টেটৰ ওপৰত যুগুত কৰা দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰি আছোঁ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত হোৱা চি টেট পৰীক্ষাৰ সমাজ বিজ্ঞান প্ৰশ্ন কাকতখনৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত মই প্ৰথম ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই বাকী ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকক আগন্তুক চি টেট পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব गति गोटिक्याह एटी आजरे हितान आर करो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए सुना जाता है आंसर होगा फाइव वर्षों के लिए सेवेंटी थ्री वे संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है ग्राम पंचायत की संरचना ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया उपमुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञा लेना निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत मुखिया उपमुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेनी अनिवार्य है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है आंसर होगा स्टेशन हाउस अफसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए दो हज़ार पाँच के संसदन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया आंसर होगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है आंसर होगा न्यायपालिका को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था आंसर होगा आदिवासी एवं दलित समुदाय को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है आंसर होगा संघवाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है आंसर इस ऑप्शन थ्री ए और बी दोनों अर्थात सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट नई दिल्ली के वास्तुशैली की सरसा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए ऑप्शन वन कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं ऑप्शन टू इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए ऑप्शन थ्री उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है और ऑप्शन फोर कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इतिहास शिक्षक का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए ऑप्शन वन फुटकाल में क्या खटित हुआ यह बताना ऑप्शन टू फुटकाल में यो कैसे घटित हुआ यो याद रखना ऑप्शन थ्री उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है और ऑप्शन फोर कर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए आंसर इज ऑप्शन टू ए बी डी सही है अर्थात ऑप्शन ए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना ऑप्शन बी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना और ऑप्शन डी विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना सही है इसका आंसर होगा ऑप्शन वन ए बी सी सही है अर्थात ऑप्शन ए अधिगम कर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना ऑप्शन बी सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगम कर्ताओं को संवेदनशील बनाना और ऑप्शन सी संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए किए इसका आंसर होगा ऑप्शन वन ए और सी सही है अर्थात ऑप्शन ए विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें और ऑप्शन सी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बोल देना चाहिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जुड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना ক্ৱেশন নম্বৰ ছেভেটি ফ'ৰ দ্বিতীয় স্ৰোত কণ হে আ ইজ্ছন ৱান চি এ বেলি দ্বাৰা লিখিত এণ্ডলিষ্ট হিষ্ট্ৰী ডৰ্ন ইণ্ডিয়া কেচন নম্বৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ঔপনিৱেশিক ভাৰত মই স্ত্ৰী শিক্ষা চৰ্চা কৰা কেম্ন আত্মকথাও মছক সন্দৰ্ভিত কৰতে ইজ্ছন টু ৰাসুন্দৰিবীকৃত আমাৰ জীৱন ক্ৱেশন নম্বৰ ছেভেণ্টি भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्यों का विकास करना चाहिए आंसर इस ऑप्शन फोर ए बी और डी अर्थात ऑप्शन ए संसाधन और संरचना ऑप्शन बी विकास और विस्थापन और ऑप्शन डी मानव विकास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है ऑप्शन वन चर्साओं को न्यूनतम रखना ऑप्शन टू पाठ्य पुस्तक के पथन पर केंद्रित होना ऑप्शन थ्री व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना और ऑप्शन फोर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अध्याय के अन्य में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नों में से कौन से कथन सही है आंसर होगा ऑप्शन टू ए और बी सही है अर्थात ऑप्शन ए ये विद्यार्थियों को अवधारणों को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर बात विवाद करने के लिए प्रेरित करता है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अन्य में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में आंसर होगा ऑप्शन टू ए और सी अर्थात ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है और ऑप्शन सी लोगों एवं क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है क्वेश्चन नंबर 80 डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभवों का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं आंसर होगा ऑप्शन टू परिस्थितियों से अनुमान लगाना ক্ৱেশন নম্বৰ এট্টী ৱন বাজাৰ বিষয়ক পৰিচয় দেনেকে কোন চি শিক্ষণ শাস্ত্ৰীয় বিধি সৰ্বোত্তম হৈ পাঠ্যপুস্তক পঠন আৰু চৰ্চা কৰনা অপ্শন টু এক দোকানদাৰ কক্ষা মাক আমন্ত্ৰিত কৰনা অপশ্ছন থ্ৰী বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাজাৰ জুড়ে চিত্ৰ দখানা আৰুপশ্শন ফ'ৰ মানচিত্ৰে স্কুল কেজাৰ ইংগিত কৰনা আনছাৰ হ'ব অপশ্ছন টু কেশন নম্বৰ এট্টি টু यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से इसमें कोई भ्रम न रखना मोहारी सोखा का है यो कहना एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है क्वेश्चन नंबर 83 थ्री सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री ए बी और सी अर्थात ऑप्शन ए पृथ्वी के जीवन के आभास के रूप में समझ बनाना ऑप्शन बी अपने क्षेत्र राज्यों और देश पर अध्ययन करना और ऑप्शन सी भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है इसका आंसर होगा ऑप्शन वन ए बी और सी अर्थात ऑप्शन ए परिक्रमण ऑप्शन बी दिन रात और ऑप्शन सी मौसमी परिवर्तन क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत स्थापित कर सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन टू ए बी और डी अर्थात ऑप्शन ए खनिज संसाधन ऑप्शन बी उद्योग और ऑप्शन डी हमारे पृथ्वी के अंदर क्वेश्चन नंबर 86। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में बोनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी आंसर होगा ऑप्शन थ्री विभिन्न प्रकार के बनों पर आधारित डॉक्यूमेंटे दिखाना क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बोल देना चाहिए आंसर इज ऑप्शन टू भूकम्प के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ क्वेश्चन नंबर एट्टी एट तबा क्षेत्र के स्थानीय लोग उन्नीस सौ नब्बे के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए इसका आंसर होगा ऑप्शन टू मछली पकड़ने का अधिकार क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है ऑप्शन वन यो लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है ऑप्शन टू यो लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है ऑप्शन थ्री यो लोगों के विशेषता को स्वीकारता है और ऑप्शन फोर यो लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन तथा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ऑप्शन वन भारतीय जनता का एक सौता हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था ऑप्शन टू स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया ऑप्शन थ्री भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं और ऑप्शन फोर भारत में पहला आम चुनाव नाइनटीन में हुआ था इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था यह बात गलत है आप सभी को मेरे इस सेशन में शुरू से अंत तक जुड़ी रहने के लिए धन्यवाद